फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम लोग कवर करेंगे दुबई डीटीएन सीरीज की जो अगला मैच आज खेला जाएगा ZAS वर्सेस EXP के बीच में। इस वीडियो के अंदर दोस्तों दोनों ही टीमों के पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको शेयर करूंगा बैटिंग ऑर्डर के साथ। कौन से प्लेयर दोस्तों इस मैच के अंदर आपको ओपन करते हुए दिखेंगे, कौन से प्लेयर फर्स्ट राउंड पर खेलते हुए नजर आएंगे, दोस्तों सारे प्लेयर्स का बैटिंग ऑर्डर के साथ मैं आपको बताऊंगा कि कौन से बॉलर आपको दो ओवर तक बॉलिंग करते हुए दिखेंगे और किसे आप कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए ले सकते हैं। सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो के अंदर शेयर करने वाला हूँ। तो दोस्तों आपको ये वीडियो पूरा वॉच करना चाहिए अगर आप इस मैच से रिलेटेड पूरी जानकारी लेने आए हैं, तो ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो एक बार इस वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करना। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस वीडियो के नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन मिल जाएगा दोस्तों, इस पर एक बार क्लिक कर दें। साथ ही साथ यहाँ पे जो बेल आइकन दिया हुआ दोस्तों, इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको ऑल का ऑप्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ऑल का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसको भी एक बार सेलेक्ट जरूर कर लेना ताकि आने वाले T10 और T20 मैचेस का वीडियो मैं जैसे ही अपलोड करूंगा आपके पास इधर नोटिफिकेशन जाएगा और सारे मैचेस का जानकारी आपको इसी प्रकार मिल पाएगा। दोस्तों अगर आपको हमारा बताया गया स्टैट्स पसंद आता है, इस वीडियो से अगर आपको जरा भी हेल्प मिलता है, तो एक बार इस वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट जरूर करें और सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। दोस्तों यहां पे आपको एक एरो का बटन मिलेगा, अगर आपने दोस्तों यहां पे यूट्यूब को अपडेट कर लिया है तो फिर आपको इसी प्रकार मोर का ऑप्शन देखने को मिलेगा। जैसे आप यहां पे क्लिक करेंगे आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक हो जाएगा। इस ग्रुप में ना ज्वाइन करना जरूरी है क्योंकि लाइनअप के बाद आपको फाइनल टीम यहीं पर मिलेगा अगर कोई भी चेंजेस होता है तो। अभी तो हम लोग टीम बनाएंगे लेकिन हो सकता है कि एक दो प्लेयर आफ्टर टॉस चेंज होगा, ठीक है, तो वही टीम मैं आपको फाइनल टीम के रूप में टेलीग्राम ग्रुप में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो एक बार जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना। इस वीडियो के नीचे मैंने आपको लिंक शेयर कर दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स, पहला कमेंट में आप जैसे ही क्लिक करोगे ज्वाइन का ऑप्शन आएगा, एक बार ज्वाइन जरूर कर लेना है। तो चलिए अब स्टेट्स की ओर आगे बढ़ेंगे। दोस्तों ये जो मैच रहने वाला है रात 10 बजे ये मैच आपको देखने को मिलेगा विजन क्रिकेट सेंटर दुबई, ये मैच दुबई में ये मैच होने वाला है। और यहाँ का पिच रिपोर्ट की बात करते हैं तो लगभग आपको 100 रन के आसपास एक एवरेज स्कोर इस ग्राउंड पे देखने को मिल जाएंगे। ZGS के जो टीम है दोस्तों, एक मैच खेला है जहाँ पे GFL की टीम 57 का टारगेट दिया था लेकिन ZGS की टीम इस रन को चेस कर लिए थे और पहला ही मुकाबला ZGS की टीम विन करते हुए आए हैं। लेकिन EXP का रिकॉर्ड देखोगे, दो मैचेस इन्होंने खेला है, पहला मुकाबला EXP की टीम जो है दोस्तों यहाँ पे लॉस करते हुए है, लेकिन सेकंड मैच देखोगे तो यहाँ पे भी लॉस हुआ है। देख सकते हैं दोस्तों मात्र 44 तक ही चेस कर पाए थे, यानी कि EXP की टीम उतना मजबूत टीम है नहीं ZGS के मुकाबले। ठीक है, चलिए बैटिंग ऑर्डर पे फोकस करते हैं। शाहरुख अमीन टीम के कैप्टनसी का रोल करते हुए आपको दिखेंगे। ओपन करते हुए पहले मैच के अंदर 22 रन स्कोर करा है। इनके साथ यहाँ पे दोस्तों खलील खेलते हुए नजर आ रहे थे, विकेट कीपरिंग में एक खिलाड़ी है लेकिन आपको ओपन करते हुए दिखेंगे। ये दोनों के दोनों ओपनर बैट्समैन है ZGS की टीम की तरफ से। लवप्रीत सिंह की बात करते हैं, फर्स्ट राउंड पे खेलते हुए 4 रन उन्होंने स्कोर कराया दोस्तों। बाकी अक्षय राठौड़ की बात करेंगे, सेकंड राउंड पे खेलते हुए 28 रन उन्होंने स्कोर करा है दोस्तों। वहीं अगर आप देखेंगे मोहम्मद इस्माइल के बारे में, ये दो ओवर तक बॉलिंग कंफर्म करते हैं और एक विकेट इन्होंने निकाला हुआ है दोस्तों। ये जो यहाँ पे पांच खिलाड़ी आपको नजर आ रहा है, ये पांचों के पांचों ZGS की टीम की तरफ से बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेंगे। बाकी अगर आप देखेंगे नादिर हुसैन दो ओवर का बॉलिंग पे एक विकेट निकाला हुआ है। अब्दुल्ला का रिकॉर्ड इतना बेहतर है नहीं तो आप इनको ड्रॉप कर सकते हैं, मोहम्मद अजीज को ड्रॉप करना दोस्तों। फैजल अल्ताफ दो ओवर का बॉलिंग में दो विकेट इन्होंने निकाला हुआ है, आप देख सकते हो दोस्तों काफ़ी बढ़िया गेंदबाज है। ग्लेन फर्नांडिस की बात करेंगे, तीन ओवर का बॉलिंग में दोस्तों दो ओवर का बॉलिंग में तीन विकेट अपने नाम कराया, देख सकते गेंदबाज इनका ना बहुत शानदार है, दो ओवर का बॉलिंग में तीन विकेट अपने नाम कराया। मोहम्मद जवादुल्ला दो ओवर का बॉलिंग में ये फ्लॉप रहा था, लेफ्ट आर्म फास्ट गेंदबाज है लेकिन ध्यान रखना बॉलिंग करते आपको दिखेंगे। बाकी स्टार्टिंग ओवर पे गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे मोहम्मद जवादुल्लाह और फैजल अल्ताफ, ये दोनों के दोनों गेंदबाज आपको स्टार्टिंग ओवर पे बॉलिंग करते हुए दिखेंगे। लेकिन डेथ ओवर बॉलर रहने वाले हैं दोस्तों मोहम्मद जवादुल्लाह और फैजल अल्ताफ, ये दोनों के दोनों गेंदबाज आपको डेथ ओवर पे बॉलिंग करते हुए दिखेंगे। बाकी बेंचेस प्लेयर में अगर आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पे शलीक खान, अली इकबाल, दीपल और यहाँ पे रौनक यहाँ पे दोस्तों चार खिलाड़ी जो देख रहे हैं, चारों के चारों आपको बेंचेस प्लेयर में आपको नजर आएंगे ZDS की टीम की तरफ से। तो ZDS का पूरी इन्फॉर्मेशन है दोस्तों बैटिंग ऑर्डर के साथ, आपको ध्यान रखना है कि आपको लगभग सेम बैटिंग ऑर्डर इस मैच के अंदर भी देखने को मिल जाएंगे। चलिए EXP की टीम की बात करते हैं। EXP के टीम की तरफ से प्रतीक आपको ओपन करते हुए दिखेंगे, पहले मैच के अंदर ओपन करते हुए 8 रन स्कोर कराया, फिर 5 रन पर बैटिंग करते हुए 14 रन इन्होंने स्कोर कराया दोस्तों। टीम के ये टॉप ऑर्डर पे खेलने के लिए आए थे पहले मैच के अंदर, लेकिन दूसरे मैच के अंदर देखोगे 14 रन इन्होंने बनाते हुए आ रहा है। शेन अफरीदी की बात करेंगे दोस्तों, ये जो प्लेयर है
ये ओपन करते हैं, पहले मैच के अंदर 45 रन स्कोर कराया, दूसरे मैच के अंदर दोस्तों यहाँ पे 2 रन बनाते हुए आ रहे हैं। ये ध्यान रखना, बहुत अच्छे प्लेयर है दोस्तों, अच्छे खेल सकते हैं। पहले मैच के अंदर देखोगे अच्छा फॉर्म दिखाया इन्होंने, 45 रन का शानदार पारी खेला था। बाकी फहद की बात करेंगे, फर्स्ट राउंड पर खेलेंगे, पहले मैच के अंदर 7 रन, 1 ओवर का गेंदबाजी में 1 विकेट निकाला हुआ है, फिर 4 रन बनाए थे और 2 ओवर का बॉलिंग में 2 विकेट यहाँ पर निकाला हुआ है दोस्तों। ये भी टीम के बहुत बढ़िया गेंदबाजी करते हैं, इनको भी अपने टीम के अंदर आपको ट्राई करना है, 2 ओवर फिक्स आपको बॉलिंग करते हुए दिखेंगे। आप इनको कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट राउंड पे खेलते हैं और बॉलिंग भी 2 ओवर करते हैं इस वजह से। बाकी अगर आप देखेंगे एजार के बारे में, सेकंड राउंड पे खेलते हुए पहले मैच के अंदर 12 रन, फिर ओपन करते हुए 0 रन स्कोर करा है। बाकी अगर फहद की बात करेंगे, थर्ड राउंड पे खेलते पहले मैच के अंदर 18 रन, फिर 2 ओवर का गेंदबाजी में दोस्तों ये फ्लॉप रहा था, विकेट ने मिला, लेकिन दूसरे मैच के अंदर सेकंड राउंड पे खेलते हुए 8 रन स्कोर कराया, 2 ओवर का गेंदबाजी में ये फ्लॉप रहा था दोस्तों। 2-3 नंबर पे लगभग बैटिंग करते हुए दिख जाएंगे, 2 ओवर फिक्स है इनका। बाकी अगर आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पे डेनियस हेडर के बारे में, पहले मैच के अंदर बैटिंग बॉलिंग से फ्लॉप रहा है, फिर यहाँ पे 0 रन, 2 1 ओवर का गेंदबाजी में ये फ्लॉप रहा था, विकेट नहीं निकाल पाए यहाँ पे। बाकी यहाँ पे आदिल फारूक का रिकॉर्ड देखते हैं तो दोस्तों पहले मैच के अंदर 0 रन, 1 विकेट, फिर यहाँ पे दोस्तों फ्लॉप रहा था, देख सकते हैं। जीसन दुलारी की बात करेंगे, पहले मैच के अंदर 3 विकेट शानदार इन्होंने निकाला हुआ है दोस्तों, फिर दूसरे मैच के अंदर देखोगे तो 2 ओवर का गेंदबाजी में 2 विकेट मिला है दोस्तों। टीम के बहुत शानदार गेंदबाजी जीसन दुलारी, जो कि टीम के आपको दोस्तों यहाँ पे कन्फर्म 2 ओवर तक बॉलिंग करते हुए दी जाएंगे, तो आपको ट्राई करना है जीसन दुलारी को अपने टीम के अंदर। बाकी अगर आप देखेंगे ड्रेस मोहम्मद के बारे में, पहले मैच के अंदर ये फ्लॉप, दूसरे मैच के अंदर 1 विकेट निकाला हुआ है हसन, जो कि ये फ्लॉप है, इनको आप ड्रॉप कर सकते हैं। बाकी इनका रिकॉर्ड देखेंगे, पहले मैच के अंदर फ्लॉप, दूसरे मैच के अंदर भी ये फ्लॉप रहा है दोस्तों। स्टार्टिंग ओवर पे गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे दोस्तों, यहाँ पे दोनों गेंदबाज आपको स्टार्टिंग ओवर पे बॉलिंग करते हुए दिखेंगे। बाकी डेथ ओवर पे बॉलिंग करने के लिए आएंगे आदिल फारूक, यहाँ पे फहद अलसमी, जो कि टीम का, वो डेथ ओवर पे गेंदबाजी करते हुए आपको दिख जाएंगे इस टीम की तरफ से। बाकी इसमें अकबर, ये आपको बेंचेस प्लेयर में नजर आएंगे, इमरान यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखेंगे, अर्शदेद, और यहाँ पे देखेंगे दोस्तों विक्रम भी आपको नजर आएंगे, विक्रम नायक, जो कि आपको बेंचेस प्लेयर में नजर आएंगे EXP की टीम की तरफ से, ठीक है। बाकी श्याम, उमर, अशीफ, यहाँ पे भविक, और लास्ट प्लेयर आने वाला दोस्तों राहुल सरीन, ये ध्यान रखना आपको बेंचेस प्लेयर में नजर आएंगे। तो ये सारे रिकॉर्ड्स हैं ZGS और EXP के, ध्यान रखना है दोस्तों कि आपको सेम बैटिंग ऑर्डर आपको इस मैच के अंदर भी देखने को मिलेगा, तो इसमें से आपको जो भी बेटर लग रहा है प्लेयर्स का बैटिंग ऑर्डर को फॉलो करते हुए दोस्तों अपने टीम के अंदर आप प्लेयर्स को ले सकते हैं, और अपना टीम चाहो तो दोस्तों आप यहां पे इजी क्रिएट कर सकते हो स्टैट्स को फॉलो करते हुए। हालांकि मैंने आपके लिए एक डेमो टीम तैयार किया हुआ है, टीम एक बार आप देख लो, आपको और ज्यादा हेल्प मिलेगा। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले विकेट कीपर से दोस्तों, यहाँ पे एफ खलील को मैं ट्राई करूंगा ZGS के टीम की तरफ से दोस्तों। इनका रिकॉर्ड बहुत ही बढ़िया है, पूरे टूर्नामेंट के अंदर अच्छा खेला हुआ है, तो एफ खलील को अपने टीम के अंदर ट्राई करते हैं, ओपन करते हुए आपको दिखेंगे, ये चीज आपको ध्यान रखना है। विकेट कीपरिंग भी करेंगे और आपको ओपन करते हुए भी दिख जाएंगे दोस्तों। बाकी अगर आप देखेंगे दोस्तों तो इनका भी रिकॉर्ड काफी बढ़िया है, इन्होंने भी काफी बढ़िया खेला। प्रतीक ओपन करते हैं, पहले मैच के अंदर 8 रन स्कोर करा था, लेकिन दूसरे मैच के अंदर 5 नंबर पर खेलने के लिए आए थे, 14 रन स्कोर करा है। बैटिंग ऑर्डर इनका थोड़ा ऊपर नीचे होता है, तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। बाकी ये भी पहले मैच के अंदर सेकंड राउंड पे खेलते हुए 12 रन बनाए दोस्तों, और लास्ट मैच के अंदर ओपन करते हुए 0 रन स्कोर कराया। लेकिन ये तीनों जो आप विकेट कीपर के प्लेयर देख रहे हो ना दोस्तों, ये कभी भी बैटिंग करने के लिए दिखते हैं, लेकिन इन दोनों को मैं ट्राई करूंगा, इनको फिलहाल ड्रॉप करूंगा दोस्तों, क्योंकि 3 विकेट कीपर को अगर आप ट्राई करते हैं तो बाकी आप इंपॉर्टेंट ऑप्शन जो आपको मतलब आप मिस कर जाएंगे, इस वजह से दोस्तों मैं इन दोनों को ही ट्राई करता हूं। बैटिंग में दोस्तों मैंने 3 बैट्समैन को लिया हुआ है, जिसमें से दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे फहद जोफर का रिकॉर्ड बहुत ही बढ़िया है, फर्स्ट राउंड पे खेलते हैं और प्लस 2 ओवर इनका फिक्स रहता है, इनको ट्राई करेंगे। एस आलम का भी रिकॉर्ड बहुत ही बेहतर है, बढ़िया खेला है, इस वजह से दोस्तों इनको ट्राई करेंगे अपने टीम के अंदर। बाकी यहाँ पे दोस्तों एस आलम को ट्राई करने वाले हैं, ये भी टीम के टॉप ऑर्डर में बैटिंग करने के लिए आते हैं, तो ये दो यहाँ पे बैट्समैन को मैं ट्राई करता हूँ EXP की टीम की तरफ से। बाकी एस अमीन को लेने वाले हैं दोस्तों, एस अमीन का भी रिकॉर्ड बढ़िया है इस टूर्नामेंट के अंदर, बढ़िया खेला हुआ है, ओपन करते हैं, 22 रन स्कोर कराया, मैं इनको ट्राई करूंगा। ऑलराउंडर पर दोस्तों मैंने 3 ऑलराउंडर को लिया हुआ, जिसमें से जैद दुलारी आपको पता होगा, जैद दुलारी जो कि बहुत बढ़िया गेंदबाजी करते हैं, अभी तक देखोगे इस टूर्नामेंट के अंदर सबसे ज्यादा विकेट्स निकाले, 5 विकेट निकाल चुके हैं। ए राठौर, एन हुसैन को मैं ट्राई करूंगा, इन तीनों का रिकॉर्ड सबसे बेहतर लगा है दोस्तों, आपको मैंने स्टैट्स दिखा दिया है। बाकी यहाँ पे अगर आप देखेंगे बॉलिंग सेक्शन में, देखो यहाँ पे ना एक ऑप्शन आपके पास, अगर आप चाहें तो एम इस्माइल को ट्राई कर सकते हैं। एम इस्माइल का रिकॉर्ड मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, 2 ओवर का बॉलिंग ये फिक्स से करते हैं और 1 विकेट लास्ट मैच के अंदर निकाला हुआ है, तो काफ़ी लोग क्या कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे इनको ट्राई नहीं कर रहे, लेकिन ध्यान रखना है कि अगर आप लेना चाहते हो तो इनको आप ले सकते हो, बढ़िया गेंदबाज है। बॉलिंग में दोस्तों मैंने 3 बॉलर को लिया हुआ है ZGS की टीम की तरफ से, ये कंप्लीट ओवर गेंदबाजी करते आपको दिखेंगे। यहाँ पे दोस्तों एफ अल्ताफ भी टीम के शानदार गेंदबाजी करते हैं दोस्तों, और यहाँ पे मैं EXP की टीम की तरफ से ओनली 1 प्लेयर को मैं ट्राई करूँ। अब रहा टीम प्रीव्यू की बात, तो मेरा टीम आप देख सकते हैं, जिसमें से एस आलम और यहाँ पे दोस्तों एफ जफर को कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए मैं ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखो ये मेरे साइड से टीम है, अगर आपको इसमें 1-2 प्लेयर चेंजेस करना हो तो आप कर सकते हैं, या फिर लाइनअप का वेट करो दोस्तों। अगर 1-2 प्लेयर मेरे साइड से चेंज होता है आफ्टर टॉस, तो मैं आपको फाइनल टीम टेलीग्राम ग्रुप में आपको शेयर कर दूंगा, तो एक बार ज्वाइन कर लेना है आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।